बोलो हनुमान जी महाराज की जय। अभिनव प्रयोग है ये आज मुख्यमंत्री जी ने किया। आपने भी देखा होगा दो मिनट के लिए भोपाल थम गया। आज ये क्या कर मध्य प्रदेश थमा, जो नहीं थमा उसने थमा हुआ देखा, पूछा क्या हुआ, ये पूछा तो पता चला कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं है। कोरोना से अगर प्यार है तो समाज का बहिष्कार है। ऐसे व्यक्ति जो मास्क नहीं लगाएंगे, आज से हम पुलिस विभाग के लोगों से भी कहेंगे कि ऐसे लोगों की सेल्फी खींच के ये स्लोगन लिखें, इन्हें कोरोना से प्यार है और समाज के द्वारा बहिष्कार है। जब ये चलेगा तो स्वाभाविक रूप से जागरूकता बढ़ेगी। ये गांधीवादी तरीका है। मानव कोरोना मानव बम बन के न घूमे। कोई अगर वो संक्रमित है और घूम रहा है, आप देखें भोपाल की इंदौर की आज 300-400 मामले रोज निकल रहे हैं। अगर यही स्पीड रही तो पुरानी स्थिति में पहुंचने में देर नहीं लगेगी। और इसलिए पूरे प्रदेश से करबद्ध प्रार्थना कि सारी सावधानियों का, गृह विभाग के द्वारा जारी किए निर्देशों का, केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का, सारे मेले जो बड़े बड़े आयोजन थे, करीला माता जैसा, ग्वालियर का मेला जैसा, ये सब पर रोक लगाने का सरकार ने गृह विभाग ने तय किया है। इस तरह के जो जहां पर संडे का कर्फ्यू है, 20 से ज्यादा केस आ रहे हैं, वहां पर अंतिम यात्रा में शादी विवाह फंक्शन समारोह कोई भी धार्मिक आयोजन, किसी भी धर्म का हो, इन सब को बिना अनुमति से करने पर रोक लगा दी गई है जहां पर कर्फ्यू के हालात है। शहीदों के चरणों में नमन, सरदार भगत सिंह के चरणों में नमन, राजगुरु सुखदेव के चरणों में नमन, जिनके कारण से हमें आजादी मिली। आज के दिन उन्हें फांसी दे दी गई। वो क्रूर दिन है जब कराल काल के गाल में हमारे शहीद समा गए, आज उनको नमन करने का दिन है। संडे के संडे तो लॉकडाउन का अभी 2-3 शहरों में विचार है, पूरे प्रदेश में नहीं है कहीं। और जैसा मैंने संख्या बताई, जहाँ 20 से कम केस है वहाँ तो कदापि नहीं। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।